बहुत खुशी है इसको देख करके। इसका अनुभव हम पहली बार लेंगे और हम चाहेंगे कि और बहुत से क्षेत्रों से भी लोग आए इसे। ये आने वाले भविष्य के अंदर हिंदुस्तान के लिए बहुत सुखद है। वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के पाली जिले को बहुत ही व्यापार में फायदा होगा, चिकित्सा में फायदा होगा, सभी वर्गों को फायदा होगा। सप्तम ट्रेन चालू हो रही है, पाली वासियों को खूब लाभ मिलेगा क्योंकि पाली से अहमदाबाद जाने वाले काफी लोग हैं। राजस्थान तक आज पाली के नुमंदे भारत ट्रेन आने वाली है, इसको लेकर के बीएड कॉलेज की कुछ छात्राएं हमारे साथ में आई है, उनसे जानते हैं इस ट्रेन के बाबत ये क्या जानती हैं, इस ट्रेन को लेकर के आप क्या जानती हैं, क्या महसूस क्या होगा या क्या सोच क्या है? मुझे बहुत उत्साह है कि हमारे पाली जैसे जिले में ये मौका मिला है इस जिले को कि हाँ हम जैसी जो बीएड की छात्रा हैं वो इस अनुभव में हमें बहुत भाग्यशाली है कि हमें इसका अनुभव लेने का मौका मिला है। और हम ये भी चाहते हैं कि आगे और बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये सुविधा होनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि भारत सरकार ने हमें भी ये मौका दिया और बहुत सारा उत्साह हमें भी है कि हाँ हमें ऐसा और मौका मिलता रहे और आगे जो भविष्य में है बहुत सारी चीज़ें हैं वो उससे हमें फ़ायदा होता रहे। ठीक है, आप ये बताइएगा, आपने जो प्राचीन काल में जो कोयले की रेल चलती वो भी देखी होगी, डीजल की रेल भी देखी होगी, अब ये आज नई रेल देख रहे हैं, इसको लेकर आप क्या अनुभव कर रहे हैं? इसे देख के मुझे बहुत सा मतलब अनुभव हो रहा है। पहली बात तो ये कि हमारे भारत जैसे देश में जहाँ पे इतनी निर्धनता है पर फिर भी मोदी जी के प्रयास किया गया है और इस शहर में जो वंदे भारत आई है उसे देखने हम बीएड की छात्रा आई है रुकमा देवी कॉलेज से और हम बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है इस रेल को लेकर के। हमारे कॉलेज प्रसाधन की सहायता से भी हम यहाँ पर देखने आए, हमें बहुत खुशी है इसको देख करके। इसका अनुभव हम पहली बार लेंगे और हम चाहेंगे कि और बहुत से क्षेत्रों से भी लोग आए इसे देखें, इसका अनुभव करें। बस धन्यवाद। इसको लेकर के जो है पूरे देश में या पाली जिले में कितना विकास, जो लंबी ट्रेनें जो तेज गति से चल रही इसको लेकर के मोदी सरकार ने बहुत ही अच्छी पहल की है। यहाँ एक छोटा सा शहर राजस्थान का पाली जिला, वहाँ पहली बार मतलब मेट्रो सिटी मेट्रो ट्रेन का शुभारंभ किया गया। ये बहुत सी उत्साहन और प्रेरणादायक एक पहल है और धीरे धीरे इसका विकास अगर हो ही रहा है तो धीरे धीरे और भी डेवलपमेंट होगा। धन्यवाद। मैडम आप बताइएगा, जो ट्रेन आज से चालू हो रही है तो क्यों नहीं पाठ्यक्रम के अंदर जो है एक पृष्ठ जो है रेलवे का भी जोड़ा जाए? हाँ, इसको जोड़ना ही चाहिए, इससे सबको पता भी चलता है कि हाँ हमारे पाली जिले में ऐसे है और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आने के बाद। और हाँ, इससे बच्चों को भी फायदा होगा, सभी को फायदा होगा इससे। मेरा ये कहना है कि रेल का जो प्रयास है इसको लेकर एक पाठ्यक्रम भी चालू किया जाए ताकि बच्चों को रेल कहाँ से चालू हुई थी, जो अंग्रेजों ने जो रेल चालू की थी आज वो किस स्थिति में पहुंच आजादी के बाद। हाँ, इसको लेके ना पाठ्यक्रम में भी जोड़ना चाहिए ताकि सभी बच्चों को इसकी जानकारी हो और सभी के पास इसकी जानकारी उपलब्ध हो सके और सभी को पता चले कि हाँ यहाँ से शुरू होती है रेल और इतने बजे यहाँ से निकलती है, सबको पता चलना चाहिए। आप बताइएगा, इसको लेकर के जो रेल चालू हुई है वंदे भारत, इसको लेकर के पाली जिले का कितना विकास? इसमें बहुत विकास होगा। जैसे कि आप बताइएगा, कुछ आइडिया हो आपको हो तो, क्योंकि पाली में रहती है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कितना डेवलपमेंट होगा? देखो, काफ़ी डेवलप है, जैसे स्टूडेंट्स हैं उनको भी फायदा होगा, अदर जो भी लोग हैं उनको भी फायदा होगा। आप ये बताइएगा, वंदे भारत चालू हो रही है इसको लेकर के पाली जिले का को कितना फायदा होगा? स्वरूप, पाली जिले से आज वंदे भारत ट्रेन जो है साबरमती के लिए अभी कुछ देर में रवाना होने वाली है और ये पाली जिले के लिए ऐतिहासिक कार्य होगा। मेरा मानना है अहमदाबाद जो है पाली जिले से अधिकांश लोग और वो अहमदाबाद आना जाना जल्दी पहुंच सकते हैं, जितनी सुगमता से वंदे भारत के माध्यम से पहुंच पाएंगे जो है जल्दी, और कोई साधन नहीं है। तो मेरा मानना है कि पाली जिले वासियों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है और क्योंकि आपको सबको मालूम है जैसे कि अहमदाबाद के अंदर चिकित्सा का बहुत बड़ा हब है, आज यहाँ से कोई भी हार्ट का ऑपरेशन कराना चाहता है तो वो अहमदाबाद ही जाता है, तो वो यहाँ से जाने के लिए जो सुविधा जिस प्रकार से हो सकती है जितनी जल्दी पहुँच सकते हैं, इसलिए आज हम सभी को बहुत खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पाली जिले को भी एक बड़ी सौगात दी है और वंदे भारत एक्सप्रेस आज पाली से यहाँ से होकर निकलेगी और साबरमती तक जाएगी। सर, आप बताइएगा, ये वंदे भारत को लेकर के ये क्या इसे पार्टी का चुनाव में भी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, इस वंदे भारत ट्रेन से भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बहुत फायदा होगा,
क्योंकि ये देश में एक ऐसी निर्मित स्वनिर्मित ऐसी ट्रेन है जिससे देशवासियों का सीना खुला है और ये मौका हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया हमें। देश का खतरा हुआ है। द्वारा ये आने वाले भविष्य के अंदर हिंदुस्तान के लिए बहुत सुखद है और भारत का आने वाला समय बहुत स्वर्णिम है। जिस ढंग से मोदी जी चारों धाम के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, केदारनाथ के लिए, बद्रीनाथ के लिए, वहाँ जो ट्रेनें शुरू करेंगे उससे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को एक नया आयाम मिलेगा। वंदे भारत को लेकर के जो रेल चालू हो रही है इसको लेकर के पाली जिले के अंदर कितना आर्थिक विकास होगा, व्यापारिक विकास होगा? वंदे भारत एक्सप्रेस को लेकर के पाली जिले को बहुत ही व्यापार में फायदा होगा, चिकित्सा में फायदा होगा, सभी वर्गों को फायदा होगा, समय की बचत होगी। इसलिए पूरे पाली जिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी है और बहुत एक्सप्रेस से बहुत जल्दी कार्य होंगे, इससे बहुत ही पाली जिला विकसित होगा और बहुत अच्छा। पाली के लिए कितना डेवलपमेंट है और पाली जिले को कितना इसका लाभ मिलेगा? ये मेक इन इंडिया वाली जो ट्रेन है हम लोग गौरवान्वित महसूस इसलिए कर रहे हैं कि पाली से अहमदाबाद और बॉम्बे की कनेक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, व्यापार के मामले में, चाहे विद्यार्थियों की पढ़ाई के मामले में। कई विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए विद्यार्थी काफ़ी जाते हैं अहमदाबाद की तरफ, और टेक्सटाइल का जो व्यापार है वो टेक्सटाइल के लिए भी अहमदाबाद और सूरत मैनचेस्टर है, वही पाली को कनेक्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रेन थी ये। एक उच्च स्तरीय ट्रेन की रिक्वायरमेंट सभी व्यापारियों की भी थी और विद्यार्थियों को भी थी। इससे लेकर के पाली जिले को कितना लाभ होगा जो वंदे भारत ट्रेन चालू हो रही है? जो वंदे मातरम ट्रेन चालू हो रही है पाली वासियों को खूब लाभ मिलेगा, क्यों पाली से अहमदाबाद जाने वाले काफी लोग हैं और सुबह जाके जैसे हॉस्पिटल जाना है 12 बजे हॉस्पिटल पहुंच गए वो और 4 बजे दिखा के वापस बैठ सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा इस वंदे मातरम ट्रेन से। ये तो ट्रेन चल रही है इसको लेकर के क्या आगामी चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? जोरदार बड़ी सा प्योर बीजेपी जावेलन मोदी जी जावेलन सा। जिले को कितना लाभ होगा साहब? आज कई वर्षों मन में है थी के वंदे मातरम ट्रेन चालू हुए मोदी जी ने मेहरबानी भी जगह साहब मोर भी इन समय में देखने में ट्रेन मिली और काफी मैं हिम्मतनगर गुजरात जाया करूँ, मारे वास्ते बहुत बढ़िया अधिकारी अच्छी रह लो और हर बात तुम्हारे बढ़िया रही हुकुम। आप जी को कोयला वाली रेल भी देखी हो रही आपने? हाँ देख रहे हुकुम। और बिजली देखी हो रही? देख रहे हुकुम। आपने बिजली रेल देख रहे हो? हाँ देख रहे हो। तेज रेल देख रहे हो? जय हो जय हो। आपने जीवन आपका अनुभव करियो देश में डेवलपमेंट कितना और की कर भी हो? देखो साहब रात और दिन रो फर्क पड़ गयो, अब पहले आपने कहो 6 दिन लगता मैं गुजरात जाओ तो जने फतेह जो 3 दिन लगा, हमें जो भगवान की कृपा आ वंदे मातरम भी है जो सा 1.5 घंटा हवा 2 घंटा मैंने ठेठ मने साबरमती फुका दी फाते हो रहा हूँ हो रो जाओ बहुत बढ़िया मोरे वास्ते संतुष्ट हो गयो और मारी मनोकामना पूरी होगी सा। जय जय वंदे मातरम। ट्रेन से हमारे पाल जो और आने जाने में बहुत कम समय लगेगा और हर टाइम सुविधा मिलेगी, नहीं तो हमारे को बहुत परेशानी, अहमदाबाद जाने के लिए भी बहुत परेशानी होती थी, और इनसे बहुत विकास होगा, हर चीज लाने ले जाने में बहुत सुविधा होगी। क्या इससे आगामी चुनाव और लोकसभा चुनाव में फर्क चलिए हिंदुस्तान को काफी आगे बढ़ाया वर्ल्ड में, हिंदुस्तान की मतलब लीडरशिप विश्व गुरु के रूप जाना जाएगा, जो ऐसा नेतृत्व तो भारत को कभी मिला ही नहीं है वो आज मोदी जी के नेतृत्व तो मिला है। विधानसभा तो खैर एक तरफा ही चुनाव है और न लोकसभा, दोनों में स्पष्ट बहुमत से आएंगे वंदे मातरम ट्रेनों से, और दूसरा सारा ही विकास जहाँ अभी अमेरिका गए थे मोदी जी तो वहाँ भी कितना स्वागत हुआ, आज तक कोई इंडिया के प्रधानमंत्री का नहीं हुआ है, ये हमारे को देखने को मिला कि ऐसा ऐसी लीडरशिप हिंदुस्तान पे और पनपे और इससे ही ज़्यादा और ऐसे मोदी जी बार बार ये जीतते रहेंगे तो इंडिया एक अलग ही हो जाएगा।